फ्रेंड्स, आज का वीडियो फिल्म मेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि शॉर्ट फिल्म का मिनिमम बजट क्या होता है। इंटरनेट पर आपने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे पोस्ट पढ़े होंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि आप जीरो बजट में शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, पर यह सरासर गलत है। जीरो बजट में शॉर्ट फिल्म बनाना इम्पॉसिबल है, आपको उसमें पैसे खर्च करने ही पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊंगा कि कम से कम आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है एक शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए। तो अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, आप इसमें इंटरेस्टेड है, तो आप जरूर देखें इस वीडियो को लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर फिल्म मेकिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप उन वीडियोस को भी देख करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि शॉर्ट फिल्म का मिनिमम बजट क्या होना चाहिए। देखिए, आपने इंटरनेट पर वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको बताया जाता है कि आप बहुत सारे टेक्निक्स को यूज करके जीरो बजट में शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, पर आप जरा ये सोचिए कि शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी कैमरे की। अगर आप चलिए मोबाइल से भी काम चला लेते हैं तो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आपको और भी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे शॉर्ट फिल्म में अगर आप कोई चेस सीक्वेंस यूज कर रहे हैं तो आपको गिम्बल्स की जरूरत पड़ती है, आपको ट्राइपॉड्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जब आप शूटिंग करते रहते हैं तो उसमें भी कुछ कुछ प्रॉप्स यूज होते हैं। फिर जो एक्टर्स रहते हैं, जो आर्टिस्ट रहते हैं, वो तो आपको सभी एक्टर्स आपको फ्री में तो नहीं मिल जाएंगे, आपको उनमें से कुछ को थोड़ा बहुत पेमेंट करना ही पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कि कुछ लोगों को आप जानते होंगे तो आपके लिए फ्री में काम कर देंगे, लेकिन बाकी लोगों को जिनको आप नहीं जानते हैं उनको आपको तो थोड़ा बहुत पेमेंट करना ही पड़ेगा। उसके बाद बात आती है इक्विपमेंट्स की। कुछ कुछ और भी इक्विपमेंट्स लगते हैं फिल्म को शूट करते समय, जैसे कि आपको मेमोरी कार्ड्स एक्स्ट्रा रखनी पड़ती है। आप चाहे DSLR से शूट करें या फिर आप स्मार्टफोन से शूट करें तो आपको एक्स्ट्रा बैटरीज भी रखनी पड़ती है। उसके बाद आपको लाइटिंग की जरूरत पड़ती है। आप चलिए नेचुरल लाइट में आप किसी तरह मान लीजिए आप शूट कर लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए नाइट का सीन है तो फिर आपको उसमें थोड़ी बहुत लाइट खरीदनी पड़ती है और लाइट पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा आपको साउंड रिकॉर्डिंग पर भी थोड़ी बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बिना माइक के अगर आप स्मार्टफोन के भरोसे में रह गए या फिर कैमरा के भरोसे में रह गए तो पॉसिबल नहीं है, आपको अलग से साउंड रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी। तो ये सब में आपका थोड़ा बहुत पैसा खर्च होते रहता है। इसके अलावा जब आप अपने शॉर्ट फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में पहुंचते हैं, यानी जब आप अपने एडिटिंग के पार्ट में पहुंचते हैं, तो आपको जरूरत पड़ती है कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब की। और उसमें आपको चाहिए एक कोई बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो इन सब में भी पैसे खर्च होते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किसी एडिटर को अपने शॉर्ट फिल्म को दे करके उसे एडिट करवा सकते हैं, तो एडिटर आपका फ्री में काम तो करेगा नहीं, आपको थोड़े बहुत पैसे उसे देने पड़ेंगे। भले आप उसे कम पैसे में राजी कर लेंगे, लेकिन आपको थोड़े बहुत पेमेंट उसे करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सबने ये जाना कि किस तरीके से शॉर्ट फिल्म में पैसे जो है वो इन्वेस्ट होते हैं। जीरो बजट शॉर्ट फिल्म बनाना पॉसिबल नहीं है, वो भी आज के डेट में। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि शॉर्ट फिल्म का मिनिमम बजट क्या होना चाहिए। मैंने भी बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई है और उन शॉर्ट फिल्म्स को बनाने में लगभग कितना बजट लगा है उसके अनुसार मैं आप लोगों को बता देता हूं कि शॉर्ट फिल्म का मिनिमम बजट क्या होना चाहिए। आपने मेरी एक शॉर्ट फिल्म देखी होगी, द हॉन्टेड ट्री, वो इस चैनल पे भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। उस शॉर्ट फिल्म को बनाने में लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च हुए थे जब मैंने उसे बनाया था, आज से लगभग 3 साल पहले। और उसके बाद मैंने एक और शॉर्ट फिल्म बनाई है, सच्चा मेरा यार, उसे बनाने में मैंने थोड़ी बहुत बजट कम करने की उसमें कोशिश की थी, तो वो लगभग 1 लाख में बन करके रेडी हो गई थी। इन दोनों शॉर्ट फिल्म्स के अलावा मैंने फिर दक्ष एक शॉर्ट फिल्म है उसे बनाई थी, और वो थोड़ा हाई बजट की थी क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिसमें जो बजट है वो बढ़ जा रहा था। तो वो बनाने में मुझे लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च हुए थे। प्लीज दोस्ती तो कर लो यार। फ्रेंड्स, तुम मेरी दोस्त की बहन हो इसलिए दोस्ती कर लेता हूँ। दोस्ती तक तो ठीक है, पर इससे आगे की सोचना भी मत। तो ये तो थी मेरी बात, पर अगर आप एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं तो आपको, अगर आप बहुत ही कम बजट में जाना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे शॉर्ट फिल्म को बनाने में। और
अगर आप थोड़ा और ऊपर जाते हैं, थोड़ा और अच्छा शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, तो आपको लगभग 2 से 3 लाख रुपए हाथ में रखने होंगे उस शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए। तो लगभग 3 लाख रुपए में आप एक बढ़िया सा शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं और उसे अलग अलग जगह पर रिलीज कर सकते हैं, जैसे आप उसे YouTube पर रिलीज कर सकते हैं या फिर Netflix पर रिलीज कर सकते हैं। तो अगर आप Netflix पर रिलीज करना चाहते हैं उसे, तो लगभग इस बजट में आप उसे कर सकते हैं। आपको अगर आप दिमाग से चलेंगे तो आप 3 लाख रुपए में इस तरह की फिल्म बना सकते हैं कि आप उसे YouTube पर, Netflix पर और भी अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर आप उसे रिलीज कर सके। पर हाँ, याद रखिए कि अगर आप एक लो बजट शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा दिमाग से चलना होगा, आपको बजट कम करने के टेक्निक्स को अपनाना होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना कि शॉर्ट फिल्म का मिनिमम बजट क्या होता है। तो अगर आप एक शॉर्ट फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इतना जो मिनिमम बजट मैंने आपको बताया वो आप हाथ में लेकर जरूर चले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।